कांगड़ा दौरे के दौरान विपक्ष के नेताओं द्वारा धर्मशाला को दूसरी राजधानी के दर्जे को लेकर अपना मत स्पष्ट करने के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी मुखरता के साथ विपक्ष के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कह दिया कि विपक्ष ऐसे सवाल तभी उठा सकता है जब उन्होंने उनके लिए कोई मार्गदर्शन वाला काम किया होता। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि धर्मशाला प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, चाहे वो भूगोलिक नजरिए से हो, पर्यटन की दृष्टि से या फिर अन्य कारणों से। धर्मशाला और कांगड़ा को किसी भी स्तर पर हिमाचल में कम नहीं आंका जा सकता। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, इसे मान सम्मान और स्वाभिमान में प्रदेश में किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। ये हर लिहाज से ऊंचा है, यहाँ का सहयोग हर लिहाज से सूबे को परिपक्व बनाता है। यही वजह है कि कांगड़ा धर्मशाला की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती। देखिए, मुझे लगता कि स्थिति उनको भी स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके दौरान क्या था। अगर कोई उन्होंने ऐसा किया होता, कोई काम ऐसा किया होता जो हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में होता। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, धर्मशाला प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की दृष्टि से इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उसके साथ साथ में बड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा कांगड़ा है, और उस दृष्टि से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जो सम्मान, जो स्वाभिमान धर्मशाला और कांगड़ा जिला का जो है, वो हिमाचल की राजनीति में बहुत ऊंचा है। उस दृष्टि से जो भी सम्मान और इसकी बात आती है, सहयोग की बात आती है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी। काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने सवाल खड़ा किया था कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी का जो दर्जा दिया गया है, उस पर मुख्यमंत्री अपना रुख स्पष्ट करें कि वो प्रदेश के इस बड़े और व्यापक मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं। देखिए, कांगड़ा हमारा सबसे बड़ा जिला प्रदेश का है, सबसे ज्यादा चुने हुए विधायक यहीं से जाते हैं। आज दूसरी राजधानी का दर्जा आप कह लें, जो दिया था पूर्व सरकार में माननीय वीरभद्र सिंह जी ने, उसको निरस्त किया सरकार ने, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। आपका आईटी पार्क यहाँ बनना था, जिसके लिए भूमि चिन्हित हुई थी, उसका सारा ही बजट आप यहाँ से ले गए और इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। कई ऐसी योजनाएँ हैं और कई ऐसे कार्यालय हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट किया गया या शिफ्ट करने की जो है वो कार्रवाई अभी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि कांगड़ा कहीं ना कहीं जो है वो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।